हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जोलो इन्वेस्टिंग। दिस इज योर फ्रेंड नरोत्तम दुबे एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आईपीओ। आज के हम वीडियो में आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे लाया जाता है, कंपनी क्यों आईपीओ लाती है और आईपीओ से एक आम इन्वेस्टर को कितनी कमाई हो सकती है, आम निवेशक कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे वो आईपीओ से करोड़ों रुपए कमा सकता है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार आईपीओ को लाती है तो वो जनता को अपने शेयर देती है, उसी को आईपीओ कहा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति आईपीओ में अप्लाई कर सकता है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक होती है। जब भी हम किसी आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और हमें आईपीओ में शेयर मिल जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें कंपनी में कुछ परसेंट में हिस्सेदारी मिल गई है, हम कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन गए हैं। इसलिए जनरली पीपल आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और एक बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है फंड रेज करना। हर कंपनी को अपनी कंपनी चलाने के लिए फंड की यानी कि पैसे की जरूरत होती है। अगर पैसे वो बैंक से जाके लेगी तो उसको बैंक पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी घाटे में जाएगी। इसलिए वो बैंक से पैसे ना लेते हुए जनता से पैसे लेती है। जब भी कोई कंपनी जनता से पैसा लेना चाहती है तो वो क्या करती है, आईपीओ लाती है, क्योंकि जनता को तो उनको ब्याज देना नहीं है, जनता को पैसे लौटाना भी नहीं है, तो वो जनता को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाती है। मतलब जब हम कभी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं या आईपीओ के शेयर लेते हैं किसी कंपनी के, तो वो हम पार्टनर बनते हैं उसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपेंशन। हर कंपनी को बढ़ना होता है, जब भी कंपनी बढ़ना चाहती है तो बढ़ने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आईपीओ लाती है, आईपीओ के द्वारा फंड रेज करती है। जैसे अभी हाल ही में बर्गर किंग कंपनी एक आईपीओ लेकर आई थी, उस आईपीओ में जिन व्यक्तियों ने भी अप्लाई किया होगा तो उनके पहले ही दिन 2 लाख के 4 लाख हो गए थे। तीसरा पॉइंट, कई बार कंपनियों पर कर्ज इतना हो जाता है क्योंकि वो कर्ज बैंक से लेती हैं और बैंक इंटरेस्ट लेगी। अब इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है हो जाता है कि उनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में आने लगता है, इसलिए उस लॉस से बचने के लिए वो आईपीओ लाते हैं। आईपीओ से उनको फंड प्राप्त होता है जिससे वो अपना कर्ज उतार देते हैं। ये जनरली 2 प्रकार का होता है, पहला फिक्स प्राइस इशू और दूसरा बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू में क्या होता है, कंपनी एक फिक्स प्राइस पर बोलती है कि इन्वेस्टर्स फिक्स प्राइस पर, जैसे कि 100 रुपए उन्होंने फिक्स प्राइस रखी कि हमारे शेयर 100 रुपए में आप खरीद सकते हो, तो हमको 100 रुपए पर ही सब्सक्रिप्शन करना होगा, 100 रुपए पर ही हमको शेयर प्राप्त होंगे। दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी एक प्राइस बना देती है कि आपको कम से कम 100 रुपए में अप्लाई कर सकते हो, जहां से आना 102 पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, तो आप अगर अप्लाई करते हो और आपको मिल जाता है तो जिस दिन लिस्टिंग डे होता है लिस्टिंग डे पे अभी आप उसको बेच सकते हो और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब एक आम निवेशक के लिए कि आप और हम कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आईपीओ के अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट के द्वारा आप, उसमें एक ऑप्शन आता है आईपीओ, उसके थ्रू आप अपने बिड लगा सकते हो कि आपको किस बिड पे आईपीओ के शेयर चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, यदि किसी व्यक्ति ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो जरूरी नहीं है कि उसको आईपीओ के शेयर मिल ही जाएंगे। आईपीओ जो अलॉटमेंट होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होती है जिसकी चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आईपीओ के लिए हम लॉट में अप्लाई करते हैं। आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट लॉट साइज होता है। अब लॉट साइज क्या होता है, जैसे आपको आईपीओ में शेयर चाहिए तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कई शेयरों का एक लॉट बना दिया जाता है। जैसे 50 शेयर का एक लॉट बना दिया तो आप 50 शेयर के लिए एक साथ अप्लाई करोगे। एक रिटेल इन्वेस्टर कम से कम 2 लाख रुपए तक आईपीओ में लगा सकता है। अलॉटमेंट डे यह वह दिन होता है जिस दिन इन्वेस्टर के डीमैट में खाते में, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, उसे अलॉटमेंट डे
कहते हैं। लिस्टिंग डे, लिस्टिंग डे वह दिन होता है जब कंपनी जिसने आईपीओ लाया है वह मार्केट में, शेयर मार्केट में ये एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड हो जाती है। उस दिन से आप उसके शेयर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आप चाहो, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है और आप चाहते हैं कि मुझे लिस्टिंग डे पर ही बेचना है, तो आप बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम हाल ही के आईपीओ को देखें, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, बेटर फूड, बर्गर किंग, ये सारे आईपीओ में जिन व्यक्तियों ने 2 लाख रुपए भी लगाए होंगे, तो उनके एक दिन में 2 लाख के 4 लाख से ज्यादा रुपए हो गए हैं। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक सेफ साइड होती है। कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, नहीं करे, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करे।